बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ जवाई के हवाले से, जो कि 2.0 के नाम से जो है ना, लोग बोल रहे हैं कि यार ये आ चुकी है और अकाउंट जो है ना बहाल भी हो रहे हैं। सारी चीज़ें आज मैं आपके सामने रखूँगा, ठीक है। ये वो लोग हैं यानी कि उनके ग्रुप्स भी एक्टिव हो चुके हैं जो फ्रॉड करने के लिए आए हैं, ठीक है ना। फ्रॉड, ये फ्रॉड का ही जो सीन है ये सारा चल रहा है। मैं आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर दिखाऊंगा कि जो यूट्यूबर, ये मैं आपको बता दूँ सिर्फ़ और सिर्फ व्यू के लिए जो है ना ये कहानी चल रही है। ये व्यू के चक्कर में और आपको दोबारा फंसाने के चक्कर में जो है ना, कुछ यूट्यूबर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन यूट्यूबरों को पैसा दिया गया है और पैसा देने के बाद जो है उनसे कहलाया गया है, यानी कि बुलवाया गया है कि भाई आप जो है ना 2.0 के नाम से जो है ना ये बात करो और उनको बोलो कि जवाई दोबारा आ गई है 2.0 के नाम से, ठीक है। वो आई है, ये स्कैम करने के लिए ही आई है। उन यूट्यूबरों को जो है ना बोला गया है, पैसा देकर जो है ना बुलवाया गया है कि यार आप ये ऐसा ऐसा करो, आपको आपका पैसा फंसा हुआ है, आपको भी रिटर्न मिल जाएगा, आपके ज़रिए जो जो आपके फॉलोअर्स थे वो भी हमारे पास दोबारा आएंगे और हम उनसे जो भी कहेंगे वही कहानी जो है ना हम करेंगे। यानी कि जैसा जब बंद हुई थी जवाई, बंद होने के बाद उन्होंने कहा था कि $30 डिपॉजिट करो। मैंने आपको मना किया था $30 डिपॉजिट नहीं करने, फिर भी कुछ लोगों ने जो ना ज़बरदस्ती, कुछ लोगों ने क्या, काफ़ी आवाम ने जो ना $30 की डिपॉजिट किए थे, ठीक है। उसके बाद क्या सीन हुआ कि भाई अब $10 डिपॉजिट करो। उसके बाद सीन आया, पहले $30 डिपॉजिट करोगे $30 आपको मिलेंगे, फिर आपको जो है ना कुछ 3 से 4 दिनों के बाद भाई $10 आप विड्रा होगा, ठीक है। वो भी कहानी फेल हो गई। फेल होने होते होते अब ये दूसरी कहानी आ चुकी है कि भाई जवाई वाले कहते हैं कि यार 2.0 आ गई है, आप जो है ना जिनके बड़े अकाउंट हैं वो स्क्रीनशॉट भेजें, हम उनके अकाउंट जो है ना रिस्टोर कर देंगे और उनको उनके अकाउंट जो है ना एक्टिव कर देंगे। ये सारी की सारी कहानी है आप लोगों को दोबारा फंसाने के लिए, एहतियात करना और इस चीज़ से। हाँ, अकाउंट जो है ना मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर देखें, मैं अपना जवाई का एप्लीकेशन जो है मैं उसको खोल के आपको दिखा देता हूँ। अगर खुल रही होती लोगों यानी कि अकाउंट रिस्टोर हो रहे होते तो यहाँ पर मेरा भी रिस्टोर होता या लॉगिन हो जाता, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है ना नेटवर्क एरर दे रहा है। मैं एक दफ़ा फिर जो है ना आपको खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो नेटवर्क एरर आ रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार शुरू से ही कहता हुआ आया हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि भाई इसके चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। जो भी इसको जो है ना आपको यानी कि ब्लैकमेल करने के लिए बोला जा रहा है, सीधी सी बात है, वो आपको दोबारा फंसाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि इस स्कैम से बचना है। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से आपको सही तरीके से समझाने की, लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा फिर बोलूँगा कि आप ये फिर स्कैम में फंस जाओगे। आप लोगों को स्कैम अलर्ट कर रहा हूँ, यानी कि अलर्ट कर रहा हूँ कि आप इससे बच जाओ, ठीक है। कोशिश करना है आपने कि इस चीज़ से जो है ना इज्तनाब करना है, इसमें डिपॉजिट नहीं करने, इस पर जो है ना अकाउंट लालच में नहीं आना कि अकाउंट रिस्टोर हो जाएगा, फलां हो जाएगा। वो रिस्टोर करने के लिए आपसे स्क्रीनशॉट मांगेंगे अकाउंट के, दोबारा आपको जो है ना ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, मेहरबानी।